एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए एक को। एक पर एक दृष्टांत सुनाते चले आपको। जैसे मान लिया जाए कि घाघरा नदी वाला जो पुल है सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा पुल है ना, तो यह पुल पर भादों का महीना गंगा घाघरा नदी अपने उफान पर खतरे के निशान से ऊपर, और अपने भारत देश में इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं, हम हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, जैन धर्म के लोग भी, क्रिश्चियन धर्म के लोग भी रहते हैं, तो चारों धर्म के धर्म गुरु आपस में बड़े अच्छे मित्र, और ये चारों हमारे हिंदू धर्म के हम पंडित जी, मौलवी इस्लाम धर्म के मौलवी साहब, सिख धर्म के वाहेगुरु, सिख धर्म के धर्म गुरु, क्रिश्चियन धर्म के धर्म गुरु, ये चारों आपस में बड़े अच्छे मित्र थे। अब एक दिन उसी पुल पर खड़े होकर के आपस में बात करने लगे, वो कहने लगे हमारे भगवान बड़े, वो कहने हमारे भगवान बड़े, वो कहने लगे हमारे भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े। तो कहा भाई कहने से तो बात बनेगी नहीं, मानी नहीं जाएगी कि हमारे भगवान बड़े, अपने भगवान की जरा परीक्षा ले ली जाए किसके भगवान बड़े, अभी पता चल जाएगा। एक ने कहा कैसे परीक्षा लिया जाए, कहा इसी पुल से नदी में बीचों बीच कूद पड़ो, जो बच जाए अपने अपने भगवान का नाम लेकर के कूद पड़ो, जो बच जाए उसी का भगवान बड़ा। तो सब लोग हाँ बात तो ठीक है, लेकिन कूदेगा पहले कौन, पंडित जी कहे हमारा नंबर सबसे बाद में रही, सबसे बाद में हम कूदा। सब लोग ठीक है पंडित जी तो बाद कूदो, क्रिश्चियन धर्म के धर्म गुरु कहे सबसे पहले हम कूदा। वह खड़ा है पुल के रेलिंग पर, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथ उठाए कहें कि या गार्ड, अतना कहकर वह कूद पड़े, पानी का एक लोरा हवा बहकर किनारे ला गए, बची गई। नीचे से कहें तीन जन मातू जी ने कूदो, पंडित जी कहें तो पहले बता दी नामा नंबर बात करी, दो तीन कूदो, मौलवी साहब कहने वहां कूद, वो हाथ उठाए गए या खुदा कहकर वो कूद पड़े, वो बची गई। पंडित जी से धर्म के धर्म गुरु से कहें कि अब तू कूदो, तो हाथ नंबर है, वो दोनों हाथ उठाए गए या वाहे गुरु कहकर कूद पड़े, वो बच गए। तीन जने नीचे से पंडित जी से कहना तुम दिखाओ कि तुम्हारा भगवान बड़ा है, बहुत कात रहो कि भगवान तुम्हारा बहुत बड़ा है। पंडित जी कहें भगवान हमारा कमजोर नहीं है, सबसे बड़ा है, हम दिखाए दे। पंडित जी कहना कूदे जाए, पंडित जी पुल के रेलिंग पर खड़ा रहे, दोनों हाथ ऊपर उठाई, आंख बंद की और कहें बोलो शंकर भगवान की, अदरा कहते हुए नदी नहीं कूदे, पुला के पीछे कूद जाए, आगे कूदे बुलाओ पीछे कूद जाए, पीछे छलांग मार दूंगा। हाँ तीनों जने कहने बढ़ाए तो हाथ भगवान सबसे कमजोर थे। अब भगवान के बात, भगवान के बड़प्पन पर बात आए गए हैं, अब कूद जा पंडित जी खड़ा दे और दोनों हाथ उठाई, आंख बंद की कहें बोलो श्यावर रामचंद्र की, फिर पीछे कूद जाए। तीनों जने नीचे कहने हम लोग ऊपर आए थे, तो राजो कहा भगवान सबसे कमजोर है, भगवान तो कमजोर है, बात आगे ना कहीं पे आप कूद जा। पंडित जी खड़ा भे हाथ ऊपर उठाए, कहे बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, फिर पीछे कूद जाए। और तीन जने कहने बढ़ाए तो भगवान सबसे कमजोर है, कहते देखो कूदे जाए थे जो भगवान के नाम लेते बहुत बड़े वीर है, कहें कितने बड़े वीर है, कहें देखो कूदे जाए थे, खड़ा भे कहें बोलो हनुमान जी महाराज की, फिर कूदे जाए, फिर पीछे कूद जाए। तीनों जने कहने बढ़ाए तो तू कूदे भाई, भगवान कमजोर है हार मान लो, कहें हार न मानो अपनी कूदे जाए थे, फिर खड़ा भेड़े नहीं पर दोनों हाथ उठाए नाक बंद किए, कहें बोलो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की, अपरा कहकर कूद गए ऊपर आए, नीचे चला गया। नीचे जाकर सीधे भगवान के दरबार में पहुंच गए, भगवान से कहा लागे शिकायत कर लागे कि मैंने तुम्हें सबसे कमजोर रहे हो, हम तो जानते हैं सबसे बलवान आप हो, भगवान कहें कमजोर बलवान की बात नहीं है, तो कहें मैंने तीन जन को उनके भगवान बचाए लेकिन तो हमने हमें बोरी क्या लाया है, वो भगवान कहें कि देखो हमें हमारे बचाओ गलती नहीं है, परेशान करके राय दियो है हमें, तो कहीं ना परेशान करा रहा है, कहीं हाँ दौड़ाए मार डालो हमें। भगवान कहें जब तू कहो बोलो शंकर भगवान की, तो हम कहा कि ये शंकर रूप में चाहा था, तो शंकर का रूप बनावा, त्रिशूल ली, चंद्रमा मस्तक पर लगावा, चंद्र उमा से तब तक जो पहुंचा चाहिए तब तक तू कहो कि बोलो श्यावर रामचंद्र की, तो कहा राम रूप में चाहा था, वृंदावन गए से मुरली लेके बोल मुकुट लगा चले लागे तब तक तू कहो बोलो हनुमान जी महाराज की। मैंने दोहराए परेशान कर दिया बातों के सबसे कमजोर, तो हम हनुमान जी का रूप बनावा गदा लेके जैसे चले तैसे तू कहो बोलो दुर्गा मैया की, अब तुम तो अतरा कहकर कूद पड़ो, और हम साड़ी का प्लेट बनावत हैं, और साड़ी का प्लेट इतना जल्दी तो बढ़ता ही है,
अब हम प्लेट बनाओ और तू कूद पर प्लेट बनाई, प्लेट देखी कि धोखा देखी। ये तो हंसने की बात है, कहने का मतलब है एक को अपने जीवन में एक नियम एक प्रत्येक सिद्धांत अपना लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और चर्चा उसका पालन कर लिया जाए, बस एक नियम, चाहे जो व्रत हो, अनेक व्रत हैं। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जब आग्रह किया कि प्रभु आप द्वारिकाधीश के पास जाओ, तो बोले मित्र के यहां यदि जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान की मंदिर में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहां जाया जाए, अगर बाप बेटी के यहां जाए तो वो खाली हाथ न जाए, कुछ लेकर के जाए, गुरु के यहां जाया जाए तो खाली हाथ, गुरु ब्राह्मण बेटी इनका छूछ कब होना, बेटी इनका छूछ न भेटे चाहिए, इनसे छूछ न मिले चाहिए, कुछ न कुछ इनका लेकर जाए चाहिए। तो सुदामा जी के पत्नी घर काले जाए चाहिए मित्र के लिए, तो वो अभी मित्र यदि राजा हो तो कम से कम सोने की सुपारी ले जानी चाहिए। बोले अगर ये व्यवस्था ना हो पाए, अंततः सुदामा जी ने कहा कि चार मुट्ठी चावल हो तंदूर। बोले ये व्यवस्था है नहीं, लेकिन पड़ोसी के यहां से सुदामा जी की पत्नी जो कि बड़ी विनम्र थी, योग्य थी, उनकी बात किसी ने खाता नहीं, दो चार घर से दो चार मुट्ठी चावल उन्होंने इकट्ठा किया, एक पोटली में बांध दिया। सुदामा जी उसी पोटली को लेकर के पैदल पद यात्रा पर सुदामा जी निकले। भगवान कृष्ण तो सर्व व्यापक हैं, वो सब देख रहे हैं मेरे मित्र सुदामा। सुदामा जी को चलते हुए 7 दिन हो गए, कितने दिन, 7 दिन हो गए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं सुदामा जी लड़खड़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण के नामोच्चारण का उच्चारण करते हुए श्री सुदामा जी, एक सुदामा जी के भाव हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, बताते चले। सुदामा जी अगर आज जो लोग दरिद्र कहते हैं, सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीबी थी, अगर इस स्थिति में पहुंचे तो उसमें अपने मित्र को देखो, एक मित्र, मित्र के सहयोग से एक मित्र अगर बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए तो उसमें कुछ मित्रों का भी सहयोग होता है, योगदान होता है। अगर एक मित्र एक उच्च पद पर परस्त है, बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके किसी अच्छे मित्र का सहयोग योगदान जरूर उसके जीवन में रहा होगा, किसी ने बलिदान दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आगे बढ़ा है छोटे वाले का पीछे से हाथ जरूर रहा होगा। हमने एक कथा पढ़ी थी, सुदामा जी और भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे उसी समय की बात है। सुदामा जी और भगवान कृष्ण बड़े अच्छे मित्र बन गए। इधर एक ब्राह्मणी, ध्यान से सुनिए जो कुछ बात, समय बड़ा, आपका भी बड़ा कीमती है और हमारा भी बड़ा कीमती है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ अच्छा सुनाऊं। तो सुदामा जी उस समय भगवान कृष्ण के साथ अच्छे मित्र थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक ब्राह्मणी जो भिक्षा यापन करके अपनी जीविका वृद्धावस्था में थी चला रही थी, एक दिन उसको कुछ चने भिक्षा में मिले, ब्राह्मणी को चने कुछ भिक्षा में मिले और उस चने को पोटली में बांध कर वो अब घर पहुंचेगी तो उसको खाएगी। प्यास लगी थी, यमुना जी के किनारे पोटली रख दिया, हाथ मुख धोया, जल पीने लगी। तब तक एक पक्षी आया और उस पोटली को उठा लिया और उठा करके वो पोटली संदीपम जी के अन्न भंडार में जाकर के डाल दिया। इधर वो माता, वो वृद्धा जब देखती है कि मेरी पोटली गायब है तो उसने कहा मेरी पोटली में जो चने हैं, उस चने को जो ले गया होगा या उस चने को जो चबाया होगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा, मैं ये उसे श्राप देती हूं। और वही सा पिक्चरा अन्न भंडार में है आज। गुरु माता ने सुदामा जी बड़े थे कृष्ण से, इसलिए वो चने दे दिए। और जब बरसात होने लगी, सुदामा जी वो चने चबा रहे थे, कृष्ण ने पूछा कि क्या कर रहे हो, बोले दांत कटकटा रहा है ठंड के मारे। सुदामा जी जैसे तपस्वी, सुदामा जी जैसे भजनानंदी ब्राह्मण वो मिथ्या झूठ बोलेंगे, लेकिन कृष्ण के लिए बलिदान दे दिया कि ये सापित चने, वो चना जैसे हाथ में आया तो गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद है, इसको त्यागा नहीं जा सकता।
और अगर कृष्ण इसको चबा लेंगे तो उन्हें द्वारिका अधीश बनना है। एक माता का श्राप मिथ्या हो जाएगा, एक मिथ्या माता का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, नहीं होगा, और इनको द्वारिका अधीश बनना है। तो द्वारिका अधीश ये बन जाए और इसके बदले में मैं दरिद्र बन जाऊं, ये मुझे स्वीकार है। सुदामा जी उस पूरे चने को अकेले चबा गए। ये मित्र के लिए, एक मित्र ने त्याग किया, इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज सुदामा जी, आज कृष्णदेव द्वारिकाधीश के पद पर आसीन है, तो सुदामा जी का योगदान कम नहीं है। प्यारे सज्जनों, सुदामा जी चले, 7 दिवस हो गए, लड़खड़ा रहे हैं, अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं पैरों में, अनगिनत कांटे, बीमारियां फटी हुई है, नंगे पांव पे सुदामा जी चले। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरे मित्र इस समय असहाय दीनहीन अवस्था में लड़खड़ा रहे हैं, तो कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण रुक्मणी के बगल में भी बैठे हैं और भगवान कृष्ण सुदामा जी जहां चल रहे हैं वहीं प्रकट हो गए, और भगवान कृष्ण बैलगाड़ी बन गई, 2 बैल बन गए और बैलगाड़ी हांकने वाले बन गए, और सुदामा जी जहां चल रहे हैं वहीं बगल में लगा दिया बैलगाड़ी को। और कन्हैया ने कहा, जो आज बैलगाड़ी हांकने वाले बने हैं, उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता कहां जाना है आपको? बोले हमें द्वारिका जाना है। भैया द्वारिका यहां से कितनी दूर है? जो बैलगाड़ी हांक रहे हैं भगवान, उन्होंने कहा द्वारिका तो अभी यहां से 7 किलोमीटर है, तो अभी तो बहुत दूर है भैया। भगवान जो बैलगाड़ी हांक रहे हैं, आओ इसी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, मैं भी द्वारिका चल रहा हूं। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए भाड़ा नहीं है, मैं कैसे बैलगाड़ी पर बैठ जाऊं? तो लाइन हम सब लोग आते चले, मैं कैसे जाऊं द्वारिका, है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका, है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका, कैसे जाऊं द्वारिका, है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका, ओ है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका। पास में पायन में, पास में मोरे एक पाई नहीं है, पास में मेरे एक पाई नहीं है, भाड़ा देने में हूँ मैं मजबूर, मैं कैसे जाऊँ द्वारिका, है अति दूर, मैं कैसे जाऊँ द्वारिका, है अति दूर, जबरदस्ती सुदामा ब्राह्मण को बैलगाड़ी में बिठा लिया और पूछने लगे, रास्ते में बैलगाड़ी चल रही है, पूछने लगे भैया परिवार के बारे में। चलते 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 नदी के किनारे से पहुंचे, नदी के किनारे जब पहुंचे, सज्जनों थोड़ा विश्राम कर लिया जाए तो नदी के उस पार जाया जाए, एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। बैलगाड़ी वाले भैया के पास एक गमछा है, उन्होंने बिछा दिया। सुदामा जी उसी पर लेट गए, कई दिन से चले थे, गहरी नींद आई, सो गए। भगवान कृष्ण उनके चरण को दाबने लगे, चरण दबाने लगे, अपनी जान पर सुदामा जी के चरण को रख करके पांव दबाने लगे, और दबाते दबाते चरण में जब उनके हाथ गए तो तालुओं में देखा अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। वो कांटो मानो मान, वो कांटे मानो कृष्ण के हृदय में चुभ गए हो। भगवान कृष्ण ने कांटों को कांटों से निकालने का ही सिद्धांत है, सूत्र है, विधि है, कांटा कांटे से निकाला जाएगा, लेकिन अगर इस पैर को उठा के अपने पैर से नीचे रख दूं तो इनकी नींद टूट जाएगी, तो कांटे कैसे निकाले जाए। भगवान कृष्ण ने अपने दांतों से कांटे निकालना प्रारंभ कर दिया, दांत से पकड़ करके, और दांत से कांटों को पकड़ करके जब खींचा तो कांटा चुभने में जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा निकलने में भी होती है। पीड़ा हुई, सुदामा जी जगे, और बैलगाड़ी हांकने वाले भैया का मुख जब देखा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे आपका बड़ा उपकार है, इतनी दूर हमें बैलगाड़ी पर बिठा करके लेके आए हो, अब कांटे से कांटे निकाल ले, ये क्या कर रहे हो? अरे ब्राह्मण देवता एक एक कांटे निकाल लेंगे तब चलेंगे, बहुत कांटे चुभे हुए हैं। भगवान कृष्ण सुदामा जी ने कहा, कोई चुभे रहने दो, चुभे होंगे कांटे, हम निकालने नहीं देंगे। और फिर उसके पश्चात में यहां से नाव भी भगवान कृष्ण बन गए, नाविक भी बन गए, और बैलगाड़ी को चढ़ा करके उस पार नाव से किया, बैलगाड़ी पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के चले द्वारिकाधीश
सारे मानव के सामने जब बैलगाड़ी पहुंची तो भगवान कृष्ण जो बैलगाड़ी हाँकने वाले हैं उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता ये रहा द्वारिकाधीश का महल और द्वारिकाधीश बोलो सच्चिदानंद भगवान की आओ ये भजन प्रिय है सब लोग गाएंगे तो थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है कि मिलने सुदामा गरीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है कि मिलने सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से आधे महल के गरीब आ गया है तुम्हारे महल के गरीब आ गया सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से आधे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रुकमणी को बराबर में अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम धुलाए चरण आंसुओं से श्याम मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा और धोती फटी सी लटी दुपटी हर उपाय उपान ही कीन है ऊषा और द्वार खला खला तिज दुर्बल देखी बतावत अरे खड़ा तिज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधाय बिनामा ओ पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़े और दौड़े हा मेरे मित्र सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान कृष्ण कब चले कब पहुंच गए सुदामा को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के जब आए तो अब मार्ग से बहुत थका थके हुए हैं सुदामा जी और अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया वह सिंहासन जिस सिंहासन के लिए सुदामा जी ने त्याग किया था आज उसी सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बिठाया और पूछने लगे समाचार भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है कुछ बोल नहीं रहे हैं और कांख में दबाए हुए हैं और वो चावल की पोटली सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण ने छीन ली तो भगवान कृष्ण चरण धो रहे हैं कैसे धो रहे हैं बोले पानी परात सुहाथ छुयो पानी परात सुहाथ छुयो नहीं नैनन पानी परात सुहाथ छुयो नहीं नैनन के पग से नैनन के जल से पग धोए और ऐसे बेहाल बेवाही नते पग कंटक चाल लगे पुनी जोए ऐसे बेहाल बेवाही नसे पग कंटक चाल लगे पुनी जोए और देख सुदामा की दीन दशा करिके करुणा करुणा निधि रोए करिके करुणा करुणा निधि रोए ओ हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतना कितने दिन खोए। सुदामा जी आपको बहुत पहले आना चाहिए था दोनों मित्रों के नेत्र सजल हैं समस्त रानियों के नेत्र सजल हैं। भगवान कृष्ण ने 56 प्रकार का भोग सुदामा जी को खिलाया दिव्या दिव्य स्वागत किया सिंहासन पर बिठाया बड़े सुंदर आसन सुंदर आसन दिए। सुदामा जी जब लेटते हैं तो चरण दबाते हैं और क्या बताऊं भगवान कृष्ण ने त्रिलोकी की संपदा त्रिलोकी की संपदा अगर आपने मेरे लिए त्याग किया था दरिद्रता लिया था तो मैं आपको त्रिलोकी की समस्त संपदा आपके चरणों में निछावर कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को त्रिलोकी की संपदा उसी दो मुट्ठी तंदूर के बदले समर्पित कर दिया समर्पित कर दिया। एक बात और हम बताते चले सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने परोक्ष रूप से बहुत पूछा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है। सुदामा जी ने बस यही कहा हाँ सब ठीक है घर में कुछ कमी नहीं है सब ठीक है। भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है उनको सब पता है लेकिन सुदामा जी ने अगर उनसे कहा नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको परोक्ष में कुछ दिया नहीं और अपरोक्ष में त्रिलोकी की समस्त संपदा सुदामा पुरी में भगवान श्री कृष्ण ने भेज दी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी 7 दिन तक द्वारिका में रहे 8वें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई रोक लेता है और ऐसे प्रेम अधिक प्रेम होने के कारण सुदामा जी 7 दिन तक रहे 8वें दिन का नहीं अब 1 दिन तो जाने हैं अब हमको विदा करो। सुदामा जी जब चले भगवान कृष्ण का तो जाओ
अब दिया कुछ नगर नारायण दिया नहीं हो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, खिलाओ खिलाओ, चाहे कितना बढ़िया स्वादिष्ट सुंदर व्यंजन भोजन कराओ, लेकिन अगर दक्षिणा न दो तो ब्राह्मण बड़ा उदास हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा, दक्षिणा भोजन के बाद में बढ़िया से बढ़िया जितनी व्यवस्था आपकी हो सके, आप जितने में बढ़िया से दे सके, उतनी बढ़िया से बढ़िया दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहिए और विनयवंत होकर के प्रणाम करना चाहिए। सुदामा जी चले, मन में एक भाव है, एक भैया गा रहे थे, इन्हें कोई सुना था तो आप सब लोग सुदामा जी अपने मन में सोच रहे थे, अरे कुछ ना नगद बनाए, कुछ नहीं दिया, कुछ ना दीन चलत हरी हम का, हो कुछ ना दीन चलत हरी हम का, रे चलत हरी हम का, कुछ ना दीन चलत हरी हम का, हो कुछ ना दीन चलत हरी हम का। अरे चांद हम तो पहले से जानते थे उनको, चांदत नारी कहा ना कहे हम मान, नारी कहा ना कहे हम मान, चारी मुट्ठी चावल हम नायन, चारी मुट्ठी चावल हम नायन, पाओ कृष्ण हमसे ले ली चलत हरी हम का, हो कुछ ना दी चलत हरी हम का, चलत हरी हम का, कुछ ना दी चलत हरी हम का, हो कुछ ना दी चलत हरी हम का। जानत रहन बचपन के चोरवा, जानत रहन बचपन के चोरवा, प्रजमा माखन ये खाइन छीन छीन चलत हरी हम का, हो कुछ ना दी चलत हरी हम का, कुछ ना दी चलत हरी हम का, हो कुछ ना दी चलत हरी हम का। घटी जात हमें जो देती, घटी जात हमें जो देती, पहिरन को एक नई कॉपी चलत हरी हम का, कुछ ना दी चलत हरी हम का, चलत हरी हम का, कुछ ना दी चलत हरी हम का, कुछ ना दी चलत हरी हम का। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे, सुशीला जी ने उनका बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। सुदामा जी कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण के पास एक बार पुनः गए और निवेदन किया कि भगवान जो संपत्ति आपने मुझे दी है, जो संपत्ति आपने मुझे दी है वो संपत्ति आपन वापस ले लो, काहे से कि भजन ना हो पावत। भगवान सवेरे से शाम तक कहूं घोड़ा के चारा के व्यवस्था के फाइल में दस्तखत करे पड़त है, कहूं हाथा हाथी के चारा के दाना के व्यवस्था के फाइल में दस्तखत करत है, हमें बजट पास करे मा यही कुल के व्यवस्था में दस्तखत करत, हमारे पूरा टाइम बीत जाता है, अब हम कौन टाइम भजन करें, भजन ना हो पावत है। और हे प्रभु भजन के सामने ये सबसे अच्छा है कि ये अपनी संपत्ति जो आपने दी है इसको वापस ले दो। भगवान कृष्ण कहीं ना दस दिन है आपका, हमें वापस लेना है, हमने आपको दे दिया है, देने के बाद हम वापस कैसे ले सकते हैं। तो कहने प्रभु कौन मेरे उपाय करो कि हमें ऐसे छुटकारा पाई जाए, आप ले नहीं सकते हो और हम एक आप चाहित नहीं है, कैसे भजन हो नहीं पावत है। तो भगवान कृष्ण कहीं आप लोगों का एक सूत्र बताया देते, भगवान कृष्ण कहें सुदामा जी एक उपाय है एक नष्ट हो गए, कहीं का कहीं जाओ दिन में 10 बजे तक सोयो, बस तुम्हारी संपत्ति धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। 10 बजे तक जो सोए वाले हैं कान खोल कर सुन लो, भगवान कृष्ण कहें कि जाओ सुदामा जी 10 बजे तक सोयो, बती तुम्हारी संपत्ति सब धीरे धीरे अपने आप खसक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संपत्ति तो सब परमात्मा की है, सब परमात्मा का है, परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो संत जी आइए आप बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद में कथा को विराम दिया जाए। बोलो भागवत जी भगवान की। कुर्सी और हमारे द्वारपाल।